हे गाइस, आज हमारे पास आ चुका है पोको C3 और ये एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है। इसे रिसेंटली लॉन्च करा गया है, मेरे पास आने में थोड़ा टाइम लग गया। बट ये जो पोको C3 है, ये पोको का एक काफ़ी बढ़िया बजट स्मार्टफोन है। इसका जो वेरिएंट मिलता है आपको 3 GB रैम एंड 32 GB का स्टोरेज, इसका जो प्राइस रखा गया है वो मिलता है 7,999 रुपये। इसका जो दूसरा वेरियंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 4 GB का रैम एंड 64 GB का स्टोरेज, और इसका जो प्राइस रखा गया है 8,999 रुपये। तो चलिए करते हैं इस पोको C3 की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये जो फोन है यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिलता है और इसका जो बॉक्स कंटेंट है साथ में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो पोको का ये दूसरा स्मार्टफोन है जो मैं अपने चैनल पे अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस फोन के बॉक्स पैकिंग को ओपन कर लें, या फिर इससे पहले कि इसका कलर देख लें, तो ये जो फोन है यहाँ पे हम लोगों को लाइम ग्रीन कलर में देखने के लिए मिलेगा और ये 3 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज वाला वेरियंट है। इसके कुछ की हाईलाइट्स है, जैसे कि इसमें हम लोगों को गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा 2.3 GB, यहीं पे 13 MP का ट्रिपल AI कैमरा देखने को मिलेगा, 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, यहाँ पे 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इस पोको C3 के अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये फोन आगे में आपको रखा मिलता है, तो ये है पोको C3 और ये हम लोगों को लाइम ग्रीन कलर में देखने के लिए मिलता है। सो इसे अभी हम लोग साइड रख लेंगे और इसके साथ में जो आने वाले बॉक्स कंटेंट है ये सब देख लें कि हम लोगों को क्या क्या देखने को यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे एक छोटा सा पाउच है, सो सिम इजेक्टर टूल दे रखा है। इसके अंदर हम लोगों को कुछ वारंटी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलता है। इस फ़ोन के साथ कोई भी केस आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम लोगों को एक USB 2 micro USB डेटा केबल देखने के लिए मिल जाता है और साथ में आपको 10 W आउटपुट वाला ट्रेवल अडेप्टर भी यहाँ पर दे रखा है। चलिए अभी बात करते हैं इस पोको C3 के बारे में। ये जो फ़ोन है फाइनली, यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और इस पर लगे हुए इस स्टिकर को भी यहाँ पर पहले निकाल लेंगे। तो फाइनली इसे हम लोग क्लीन कर चुके हैं। अब ये पोको C3 जो है यहाँ पे क्लियरली क्लीन हो चुका है। तो ये जो पोको C3 है एक बजट स्मार्टफोन है। तो चलिए मैं करता हूँ इस फोन को सबसे पहले सेटअप और फिर बात करते हैं डिटेल में। तो गाइस, फ़ोन तो यहाँ पे फाइनली सेटअप हो चुका है और ये जो पोको C3 है एक अंडर बजट स्मार्टफोन है और इस फ़ोन का जो यूजर इंटरफेस है यहाँ पे आपको UI देखने को मिल जाता है 12, जो कि रेडमी के Xiaomi के दोनों ये स्मार्टफोन में आपको यही यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है और ये जो फोन है आपको बेस्ड है एंड्रॉयड वर्जन 10 के ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे के बारे में। इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू कर लें, तो ये जो फ़ोन है आपको लाइम ग्रीन कलर में देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आप नीचे में देखें तो लाइनिंग वाला डिजाइन देखने को मिलता है और ठीक ऊपर में आप देखें तो यहाँ पे क्लीन रखा गया है और ठीक पोको का अपना ब्रांडिंग करा गया है। यहीं पे इस फोन के राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो फोन का पावर कीज एंड वॉल्यूम कीज को एक साथ शिफ्ट करा गया है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आपको डेडिकेटेड यहाँ पे सिम ट्रे का ऑप्शन मिलता है। फोन के बॉटम साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक का ऑप्शन मिलता है, चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। यहीं पे इस फोन को ऊपर साइड में देखे तो टॉप साइड पे आपको 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन दे रखा है। तो ये जो पोको C3 है यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा के साथ मिलता है और ये जो पोको C3 का मेन कैमरा है वो आपको 13 MP में देखने के लिए मिलता है। डेप्थ लेंस जो है 2 MP में देखने को मिलता है और माइक्रो लेंस जो है यहाँ पे 2 MP में देखने को मिल जाता है। यहीं पे बात करें अगर फ्रंट में, तो इस फोन का जो फ्रंट सेल्फी है वो आपको 5 MP का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर कैमरा वाइज मैं कहूँ तो ये जो प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन का कैमरा काफी बढ़िया दे रखा है। बात की जाए इस फोन के डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पे आपको 6.52 इंच का HD+ एक लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपको 20:9 का आ जाता है और इसका जो पिक्सल रेजोल्यूशन है वो आपको 720x1600 का दे रखा है, मतलब कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो आपको HD+ का मिल जाता है। तो ये इस फोन को प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन ना देकर यहाँ पे पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दे रखा है और साथ में इस फोन को स्प्लैश प्रूफ डिजाइन करा गया है ताकि थोड़ा बहुत बारिश में भी इस फोन को किसी भी टाइप का हार्म ना पहुंच सके। और बात किया जाए इस फोन के प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हेलियो G35 का प्रोसेसर दे रखा है अप टू 2.3 GHz एंड इसका जो सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है वो आपको 1.8 GHz का देखने को मिलता है। यहीं पे क्लॉक का स्पीड के साथ
साथ साथ आपको इसका जो टाइप है वो ऑक्टा कोर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो फ़ोन है एक गेमिंग फ़ोन भी कह सकते हैं अंडर बजट, क्योंकि इस फ़ोन में आपको हाइपर इंजन जैसे फीचर्स को इंक्लूड करा गया है। और साथ में इस फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 10 W इनपुट सपोर्ट करता है, और इस फ़ोन के अंदर क्रोमकास्ट जैसे फीचर्स को भी इंक्लूड कर किया जा सकता है, जिससे कि स्मार्ट टीवी से ये पोको C3 को आसानी से कनेक्ट किया जाए। तो बस आज का जो मेन पर्पज़ था आप सभी को इस पोको C3 का अनबॉक्सिंग देना और साथ में कुछ की हाईलाइट्स बताना। तो आई थिंक आप सभी को ये पोको C3 का डिज़ाइन, कलर और फ़ोन और साथ में मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो बस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।